मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, इस संसार में लड़का हो या लड़की, शादी के सपने सभी देखते हैं। उसकी जीवन में कैसी पत्नी होगी या उसका कैसा पति होगा, सभी उसके विषय में विचार करते हैं। शादी इंसान के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। शादी के पश्चात इंसान का एक नया जन्म होता है। उसके रहन सहन के तरीके बदल जाते हैं, उसकी सोच तथा व्यवहार बदल जाता है। यहाँ तक कि बहुत से लोग जो गलत रास्ते पर होते हैं, शादी के पश्चात अच्छे इंसान बन जाते हैं। वहीं अगर व्यक्ति की शादी समय पर ना हो तो तमाम प्रकार की समस्याएं जीवन में खड़ी हो जाती हैं। आज मैं आपको सिर्फ 3 ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आपकी शादी कुछ ही समय में निश्चित रूप से हो जाएगी। पहला उपाय यह है कि आप शुक्रवार के दिन माता पार्वती के मंदिर जाकर उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करें तथा माता के सामने घी का दीपक भी जलाएं तथा माता से प्रार्थना करें कि हे माता, आप मुझ पर कृपा करें। जैसे आपने माता सीता को प्रभु राम से मिलाया था, वैसे ही मुझे भी मेरे जीवन साथी से मिला दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए माता की आरती करें तथा उनसे किसी प्रकार का आपसे अपराध न हो इसकी क्षमा मांगें। इसके पश्चात आप अपने घर आकर 7 छोटी कन्याओं को माता पर चढ़ाए हुए प्रसाद उन्हें दें तथा उनके चरण स्पर्श करके उन्हें उचित दक्षिणा देकर उनको आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा कुछ ही शुक्रवार करने से आपकी अभिलाषा पूरी होना का रास्ता साफ हो जाएगा। इसका दूसरा उपाय यह है कि बुधवार के दिन माँ दुर्गा के मंदिर जाकर माँ दुर्गा से कि 108 नाम का पाठ करें। ऐसा आप चाहें तो पूरी नवरात्र कर सकते हैं या प्रत्येक बुधवार कर सकते हैं। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। माँ दुर्गा के 108 नाम जो अत्यंत ही प्रसिद्ध हैं, वो आपको माँ दुर्गा की प्रसिद्ध पुस्तक दुर्गा सप्तशती में अवश्य ही मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त तीसरा उपाय यह है कि आपको कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में ग्रह नक्षत्रों की दशा के कारण भी उसका व्यवहार ठीक समय से नहीं होता। कुंडली के सप्तम स्थान में जब सूर्य और राहु आ जाते हैं तो ग्रहों का उचित सहयोग नहीं मिल पाता। इस वजह से व्यक्ति की शादी में तमाम प्रकार की बाधाएं पैदा होती हैं। अतः आपको चाहिए कि स्नान के पश्चात भगवान सूर्यदेव को ओम सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। ऐसा करने से कुछ ही समय में सूर्यदेव की आप पर कृपा अवश्य होगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 7 शनिवार के दिन जाकर भगवान शनिदेव के मंदिर में दीपक भी जला सकते हैं। मेरे बच्चों, अगर आपने ये 3 उपाय कर लिए तो कुछ ही समय में आपको मनचाही सुंदर पत्नी एवं सुशील पत्नी मिलेगी। इसमें कोई संशय नहीं, ये हमारे अजमाए हुए प्रयोग हैं। आपको जीवन में निश्चित ही सफलता मिलेगी। मेरे बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सियाराम।